हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने एक बहुत सुंदर प्लांट रखा हुआ। हालांकि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी आज। मैं बात करूंगी, मेरे पास में कुछ क्वेरीज आई हैं कि मैम आप बताइए कि सीडलिंग किस प्रकार से करनी चाहिए ठंड के फूलों की, दूसरा हम किस प्रकार से करें कि हमारी जो सीडलिंग्स हैं वो मरे ना। तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने कुछ नया मैंने अपनाया है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और बहुत ही सिंपल तरीका है, उसमें हमको कोई तामझाम नहीं करना है। मैं आपको परफेक्ट मेथड जो है उसका, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, ये है गमलों के नीचे रखने वाली ट्रे, और ये नर्सरी पे भी मिल जाती है। मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ, और उसकी कॉस्ट है शायद 35 रुपीज़ ईच, उसने मुझे बोला था। लेकिन हमने बल्क में ख़रीदी थी तो उसने हमें थोड़ी सी सस्ती लगा दी थी। तो इस तरीके की आप ट्रे ले लें और उसमें कर लें ऐसे होल्स, ठीक है। अब मैंने बड़े किए हुए हैं, आप चाहें तो आप छोटे भी कर सकते हैं। और उसके बाद में हमको जो है इन होल्स को कवर करना है। ये देखिए, ये पुराने पत्तियों से और ये कुछ लकड़ी के स्क्रैप्स पड़े थे, इससे मैंने ये होल को कवर कर लिए। और अब आपको इसमें डालना है बहुत ही साधारण मिट्टी, जो गार्डन सॉइल होती है वो, तो इसे हम भर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने साधारण मिट्टी से इसमें इसको भर लिया है। अब मेरे यहाँ की जो मिट्टी होती है ये, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ तो ऑर्गेनिक मिट्टी होती है। ऑर्गेनिक मिट्टी की ये खासियत होती है कि वो 3 साल तक उसमें उर्वरकता रहती है, चाहे आप खाद डालें या ना डालें। तो हमें सीडलिंग्स लगाना है, सीडलिंग के लिए कोई स्पेशल खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है कि वो ड्राई खाद में से अपनी जड़ों से कुछ अवशोषित कर सकें। तो मैंने ली है एक साधारण मिट्टी, और अब इसमें हमें जो है सबसे पहले, ये मेरे पास में ये स्टॉक्स के सीड्स हैं, तो हम स्टॉक्स के सीड्स लगाएंगे। ये इस तरीके की आप ये आइसक्रीम स्टिक ले लें, और इसमें जिस भी प्रकार का आप सीड लगा रहे हैं उसमें आप उसका नाम लिख लीजिए। तो पहले मैं इसका नाम लिख लूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हैं स्टॉक्स के सीड्स, और इनको, इन सीड्स को हमको ऐसे बिखरा देना थोड़ा दूर दूर इस तरीके से। और बिखराने के बाद में ये हमने देखिए पूरे डाल दिए। और उसके बाद में ये है मेरे पास में कोकोपीट और कॉम्पोस्ट, मैंने 50-50% मिलाकर रखा हुआ है। तो इसको हम लेंगे और हल्का हल्का इसके ऊपर एक लेयर डाल देंगे इस तरीके से, पूरा आपको कवर करना है। और हमने कॉम्पोस्ट और कोकोपीट का मिक्सचर इसलिए लिया है कि जब हम ऊपर से इसमें वाटरिंग करेंगे तो कॉम्पोस्ट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे पानी के साथ में सीडलिंग्स को मिलेंगे, क्योंकि सीडलिंग्स के अंदर ड्राई मैन्योर से न्यूट्रिएंट्स खींचने की ताकत नहीं होती है, उनको लिक्विड फीड ही करना पड़ता है। इसलिए मैंने इस तरीके से मिक्स बनाया। और कोकोपीट क्योंकि हल्का रहता, अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, और इसे आप हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा हल्की सी लेयर कोकोपीट की इस तरीके से आप, ये देखिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमी है इसलिए हमें अभी पानी नहीं डालना है। और 24 घंटे बाद जब थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। और जब आप इस पद्धति से लगाते हैं तो मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाती हूँ। ये जो है, ये आप इस तरीके से, ये देखिए, मैं इसकी मार्किंग कर दीजिए तो आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ कौन सा सीड लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने करीबन 3 दिन पहले इनको लगाया था, और मैंने सेम इसी पद्धति से लगाया था, और 3 दिन आज मैंने इनको पानी दिया है। ये देखिए, ये स्प्राउटिंग हो गई है। तो ये गुड क्वालिटी सीड्स की ये क्वालिटी रहती है कि ये जल्दी से स्प्राउट्स हो जाते हैं, इनका जर्मिनेशन रेट काफ़ी होता है। और साथ ही ये देखिए, और ये है इंग्लिश डेजी के सीड्स हैं, ये देखिए आप बारीक बारीक देख पा रहे होंगे। 3 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है, और आज मैंने इनको पानी दी। जब आपको ऐसा लगे कि ये ड्राई होने लगी ऊपर से मिट्टी, तब आप इसमें जो कोकोपीट है जो वो ड्राई हो रही है, उसके बाद ही आप इसमें स्प्रे कीजिए पानी। ज़रूरत से ज़्यादा आप पानी देंगे तो सीडलिंग्स जो हैं वो गल के मर जाएंगी, ये देखिए। और इसको आपको धूप में नहीं रखना है, इसको छांव में रखना है। जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 1-1 इंच के जब ट्रू लीव्स निकल आते हैं इनमें से, तब आप हल्की सी धूप छांव में, सुबह की 1 घंटे की धूप मिल जाए तो काफ़ी है।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।